Hello, very good morning to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. Peshu, आज आपके सामने एक another very interesting topic पे वीडियो को लेके. आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि शेड्यूल एच ड्रग्स का रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं. शेड्यूल एच मेडिसिंस कौन सी मेडिसिंस होती हैं? जब डी ड्रग इंस्पेक्टर आपने अगर मेडिकल स्टोर ओपन किया है, जब भी ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करने आते हैं, वो आपके शेड्यूल एच का रजिस्टर जरूर चेक करते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट आर द मेडिसिंस व्हिच कम अंडर द शेड्यूल एच एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको अपने उस रजिस्टर में मेंटेन करनी है जो आप शेड्यूल एच का रजिस्टर बनाओगे. तो सबसे पहले शेड्यूल एच की मेडिसिंस वो वाली मेडिसिंस होती हैं जो आप डॉक्टर्स की रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के सिग्नेचर के बिना किसी भी पेशेंट्स को डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो दे कैन बी द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू. ठीक है, तो दे आर द नंबर ऑफ मेडिसिंस व्हिच कम अंडर द शेड्यूल एच. आप गूगल पे इसकी लिस्ट चेक कर सकते हो, पूरी डिटेल आ जाती है. इस अगर आप इस इतना डिटेल से आपको इतना नहीं पता चल रहा है तो क्या होता है, बहुत सारी जो मेडिसिंस होती हैं उनके रैपर के ऊपर प्रॉपरली मेंशन होता है शेड्यूल एच ड्रग और नीचे लिखा होता है वार्निंग नोट टू बी डिस्पेंस टू अ पेशेंट विदाउट द रजिस्टर्ड डॉक्टर सिग्नेचर विदाउट द रजिस्टर्ड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो वो वहां से आपको पता चल गया व्हाट तरह की वार्निंग होती है. अब मैं बता रहा हूँ कि शेड्यूल एच का रजिस्टर अगर आप बना रहे हो तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों को मेंटेन करना है. सो दे आर द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू मेंटेन व्हाइल यू आर अपलोडिंग और व्हाइल यू आर हैविंग योर रजिस्टर व्हाइल यू आर मेंटेनिंग योर रजिस्टर. तो शेड्यूल एच रजिस्टर आपने उसके रजिस्टर के ऊपर लिख दिया, उसमें क्या होगा, फर्स्ट थिंग इज नेम ऑफ अ मेडिसिन. जो मेडिसिन आप बेच रहे हो पेशेंट को, डॉक्टर जिस डॉक्टर ने उसके ऊपर जो जिस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आपने वो मेडिसिन बेचा है वो चीज लिखोगे, पेशेंट का नेम लिखोगे, किस डेट पे कितनी मेडिसिन सेल आउट किया वो भी बनाओगे रिकॉर्ड ऑब्वियसली, और हो सके तो पेशेंट का आधार कार्ड नंबर और उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख दिया जाता है. सो दिस आर द 4 to 5 इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कोई भी अगर आप शेड्यूल एच की मेडिसिन सेल आउट कर रहे हो, चाहे एक कर रहे हो, दो कर रहे हो, तीन कर रहे हो, ये डिटेल आपको उस रजिस्टर में मेंटेन करनी है पर डे. ठीक है, मैंने क्या क्या है उस चीज में, सबसे पहले शेड्यूल एच मेडिसिन क्या है, वो उस तरह की मेडिसिन होती हैं जो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना पेशेंट्स को डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं. यू नीड टू हैव द प्रिस्क्रिप्शन साइंड आउट बाय ए रजिस्टर्ड फिजिशियन और बाय द रजिस्टर्ड डॉक्टर्स. हर मेडिसिन के रैपर के ऊपर एक वार्निंग लिखा होता है कि शेड्यूल एच मेडिसिन. ठीक है, आप उसका एक रजिस्टर मेंटेन करोगे, इसका नाम होगा शेड्यूल एच. उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें ये इन्फॉर्मेशन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ अ पेशेंट तो होगा, नेम ऑफ द फिजिशियन होगा, नेम ऑफ द ड्रग और मेडिसिन. ओके, एंड लास्ट ऑफ ऑल किस डेट पे डिस्पेंस कर रहे हो, और हो सके इफ इट इज पॉसिबल देन राइट आउट द कॉन्टेक्ट नंबर एंड आधार कार्ड नंबर ऑफ द पेशेंट. सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच एवरी ओनर ऑफ द मेडिकल शॉप शुड अंडरस्टैंड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको मेंटेन रखनी होती है. आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी होगी. आप मेरी इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने कंटिन्यूअसली आता रहूंगा. टिल द टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ. थैंक यू.